करेंगे कि डेटा समराइजेशन विद पिवट टेबल कैसे होता है। किसी भी डेटा को अगर समरी क्रिएट करना है तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा पिवट टेबल होता है। पिवट टेबल की मदद से ही हम उस डेटा को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से समराइज करते हैं, क्योंकि जब हम ऑफिस में रिपोर्ट बनते हैं बनाते हैं तो रिपोर्ट के अंदर क्या होता है कि आपकी जो डेटा होती है वो डेटा को किसी न किसी एंगल पे हमें समराइज करना होता है। जैसे मंथली रिपोर्ट आपने निकाला तो उसको आपको मंथली समरी क्रिएट करके उसके बाद जो बाकी कैलकुलेशन वगैरह करना है वो आप करते हैं। तो मैं यहां पे पिवट टेबल लगाना चाहता हूं, बट पिवट टेबल लगाने से पहले कुछ चीजें जान लीजिए। आपका हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अगर हेडिंग ब्लैंक है तो पिवट लगेगा ही नहीं। डेटा को अच्छे से समझ ले डेटा क्या है और आपको चाहिए क्या। तो मुझे चाहिए कि किस पर्सन ने किस सिटी में कितनी क्वांटिटी सेल किया है और कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, जस्ट ये जानना चाहता हूँ। तो मैंने इसको भी डेटा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास पूरी की पूरी ब्लैंक रो है तो यहां हम इंसर्ट पे आते हैं पिवट टेबल एंड ओके करते हैं। उसके बाद हमने नेम को उठा के रो में रख दिया तो नेम वाइज यहां आ गए। अब डेटा में आप देखेंगे आपका जो नेम है वो काफी बड़ा है, यहां डेटा देखिए नेम जो है काफी बार रिपीटेड है बट यहां पे सिर्फ सिंगल आया। तो मुझे यहां क्वांटिटी यहां लिख काउंट ऑफ क्वांटिटी आया, मुझे काउंट नहीं चाहिए मुझे सम चाहिए। तो मैं यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाऊंगा और इसको सम कर दूंगा, ये हमारा सम हो गया। उसके बाद मैं क्या चाहता हूं यहाँ पे कि मुझे ये यहाँ पता चल जाए कि किस सिटी में कितना सेल हुआ है। तो सिटी उठा के हमने कॉलन में रख दिया तो इस तरह से हमारा डेटा आ गया। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, मुझे अमाउंट का टोटल भी चाहिए रेवेन्यू भी चाहिए। तो अमाउंट को मैंने क्वांटिटी में रखा समय अमाउंट, तो ये देखिए क्या हो गया पुणे और इसके समय क्वांटिटी समय अमाउंट। ऐसे मान लीजिए इसमें मैं तीन चार ऑप्शन रखूंगा तो तीन चार ऑप्शन यहाँ क्रिएट हो जाएंगे, राइट मैम। तो मैं ऐसा न चाहते हुए सिटी को उठा के मैं रख देता हूँ किसमें रोज में। तो इस तरह से हो जाएगा, ए प्लस माइनस का निशान आएगा, कोलैप्स एक्सपेंड इसको बोलते हैं, यहाँ पे आप कोलैप्स कर सकते हैं इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो नेम वाइज टोटल आ गया, जिसको मान लीजिए मनीष का मुझे चाहिए किसी सिटी में क्लिक करना है तो इसको कर सकता है, तो इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं एक्सपेंड करता हूँ। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे एक ही कॉलम में सिटी होगा और एक ही कॉलम में नेम होगा तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब इसको मैं कॉपी करूँगा किसी सीट पे पेस्ट वैल्यू करूँगा, क्योंकि हम कुछ लोग जो है पिवट टेबल एज ए रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, पिवट टेबल जो है एज ए रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहां उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ऐसा यहां ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पिवट टेबल को अलग रखना चाहते हैं और हम रखना चाहते हैं नेम, पिवट टेबल में नेम को अलग रखना चाहते हैं और सिटी को अलग रखना चाहते हैं, नेम अलग एंड सिटी अलग। तो इंसर्ट में हम जाते हैं और नहीं इंसर्ट माफ कीजिएगा डिजाइन में जाते हैं, पिवट टेबल लेआउट के अंदर यहाँ दिखेगा आपको शो इन टेबुलर फॉर्म या आउटलाइन फॉर्म दो ले सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग आ गया। अब इसमें देखिए हर किसी का टोटल यहाँ दिख रहा है, मुझे टोटल नहीं रखने तो राइट क्लिक किया और यहाँ से सब टोटल पर अनचेक कर दिए। अब मुझे क्या करना है कि इनको यहाँ रिपीट करना है, ऐसा ही सोचिए जब इसको कॉपी करके कहीं और ले जाएंगे तो वहाँ फिल्टर वगैरह नहीं होगा, जब फिल्टर वगैरह नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए हम यहीं पे जहाँ पे रिपोर्ट लेआउट लिए थे इसी में हमारा रिपीट ऑल आइटम लेबल ये आपकी रिपीट हो जाता है। मुझे रिपीट के बाद एक ब्लैंक रो छोड़ने हैं, इसी में आपको या ब्लैंक में इंसर्ट ब्लैंक आफ्टर इच आइटम, तो हर आइटम के पास एक ब्लैंक रो आ गया। मुझे ये सब रिमूव करने हैं, यहां से आप रिमूव कर दें और यहां से डू नॉट रिपीट आइटम लेबल कर दें,
ये आपका रिपीट नहीं होगा। मैं चाहता हूं इनको मर्ज करना, इसको सिलेक्ट करके मर्ज करना, बट डायरेक्ट मर्ज नहीं कर सकता, तो राइट क्लिक करके मैं पिवट टेबल ऑप्शन पे जाऊंगा। यहां मर्ज एंड सेंटर विथ लेबल आपको दिखेगा, तो मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करके ओके कर दें, तो देखिए आपके ये मर्ज हो गए। इस तरह से इसको मर्ज किया जा सकता है। एक चीज और भी है, जैसे अब मान लीजिए कि कविता ने नोएडा में 3095 का सेल किया, मुझे आइडिया नहीं कि ये सेल कैसे आया है, तो यू जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस, आप इस पे जस्ट डबल क्लिक करेंगे, एक नई शीट में कविता नोएडा का पूरा डेटा कॉपी पेस्ट होके आ जाएगा, जस्ट डबल क्लिक। मैं चाहता हूं कि ये फीचर ना चले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डबल क्लिक करने का आदत होता है, जहां वहां डबल क्लिक करते रहते हैं। तो यहां पे हम पिवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे और यहां डिस्प्ले के अंदर हमारा पास नहीं, डिस्प्ले नहीं माफ कीजिएगा, डेटा के अंदर जाएंगे, अनेबल शो डिटेल्स पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अब मैं कहीं भी डबल क्लिक करूंगा तो डबल क्लिक नहीं होगा। अब बात करते हैं ग्रुपिंग की, तो एक काम करता हूं, मैं नेम को यहां से हटा देता हूं। मेरे पास यहाँ पे सिटी वाइज सेल्स रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं नोएडा है, न्यू दिल्ली है। अब प्रॉब्लम क्या है कि नोएडा और न्यू दिल्ली एक ही है, हम चाहते हैं इन दोनों का सेल नोएडा न्यू दिल्ली की जगह पे दिल्ली एंड एनसीआर करके आ जाए। तो हम नोएडा को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ न्यू दिल्ली को सिलेक्ट करते हैं, फिर राइट क्लिक करके हम यहाँ पिवट टेबल ऑप्शन नहीं, यहाँ पे ग्रुप होता है, इस ग्रुप पे क्लिक कीजिए। तो ग्रुप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सिटी टू और सिटी आ गई और यहाँ पे ग्रुप वन आ गया और बाकी नोएडा दो बार लिखा रहा है। तो आप इस टोटल को यहाँ से रिमूव कर सकते हो, अगर चाहो तो टोटल रिमूव हो गया, और ये जो सिटी दोबारा आ रहा है इसको रखना है तो ठीक है, ना रखना है तो आप यहाँ से सिटी को रिमूव कर दें। अब ग्रुप वन सही तो नहीं दिख रहा है, तो इस ग्रुप वन के जगह पे आप यहाँ चेंज कर दें। देखिए आप जो है वैल्यू जो वैल्यू फील्ड में होता है ना, जिसकी टोटलिंग होती है, उसको चेंज छोड़ के किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे दिल्ली एंड एनसीआर, दिल्ली एंड एनसीआर पे हमने किया और ये आपका यहाँ देखिए टोटल आ गया। तो इस तरह से हम इसका ग्रुप कर सकते हैं टेक्स्ट का। लेकिन मुझे अगर नंबर का ग्रुप करना, मुझे ये पता करना है कि किस रेंज की ऑर्डर पे कितना सेल हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे आ गया, लेकिन बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा, मैंने इसे पहले इस पर कर दिया था इसलिए आ रहा है। तो मैंने क्वांटिटी को इस पर रखा, तो रखते हैं आपको देखिए यहाँ पे इस तरह के नंबर्स आ गए। लेकिन इस 10 क्वांटिटी में इतना हुआ है, 11 क्वांटिटी इतना हुआ। मैं एक ग्रुप चाहता हूँ कि 10 से 20, 20 से 30, जैसे भी थोड़ा पहले था। तो मैं राइट क्लिक करके जाऊँगा ग्रुप पे और यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम ऑटोमेटिक आपके डेटा के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, बट यू कैन चेंज हियर, आप अपने हिसाब से यहाँ चेंज कर सकते हैं। और यहाँ 10 का ग्रुप चाहिए, 20 का ग्रुप चाहिए, 100 का, 1000, 2000, 20000, जो भी ग्रुप चाहिए एज पर योर डेटा आप यहाँ डाल सकते हैं। ये आपके सामने ग्रुप आ गया, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 39, इस तरह से आपके आ गए। अगर हम इसी ग्रुप में हम डेट की ग्रुप करें, हमने यहाँ डेट को रख दिया हुआ, तो डेट रखते हैं बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक ग्रुप में आ जाता है। मैं राइट क्लिक करके पहले इसको अनग्रुप कर देता हूँ, मुझे ग्रुप जो करना है ये मंथ वाइज ग्रुप करना है, इसके बाद ग्रुप करना है मंथ वाइज। तो मैं अभी ध्यान रखिएगा, मंथ वाइज ग्रुप तभी होगा या कोई भी ग्रुपिंग तभी होगा कि डेटा में कोई ब्लैंक ना हो। अगर यहां पे कोई ब्लैंक आया, कोई करेक्टर आया, तो फिर ग्रुप नहीं होगा आपका। फिर इस पर हम राइट क्लिक करके हम यहां करते हैं ग्रुप। ग्रुप में यहां देखिए तीन चीजें,
तीन ही कई सारी चीजें हैं, सेकेंड मिनट आवर डेज मंथ क्वार्टर ईयर। मंथली चाहिए, मंथ को सेलेक्ट किया मंथली हो गया, मैं चाहता हूँ कि मंथली और क्वार्टरली चाहिए, तो ग्रुप में मंथ क्वार्टरली माफ कीजिए ईयर चाहिए, मंथ और ईयर को सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे मैं ईयर को फिल्टर में रख देता हूँ, तो यहाँ से ईयरली फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर में ना रखना चाहो तो आप उठाकर उसको कॉलम से रख दो, तो इस तरह से कॉलम वाइज आपका ईयरली कॉलम वाइज आ जाएगा। तो इस तरह से आपने रिपोर्ट अपने समराइजेशन को तैयार कर सकते हैं। लेकिन मुझे ईयर वाइज नहीं, मुझे डेज वाइज चाहिए, मुझे 15-15 दिन का ग्रुप चाहिए। तो ग्रुप पे गए और यहाँ हम जो है इसको मंथ यहाँ से हटा देते हैं, सारा हटाना पड़ेगा आपको। फिर डेज को सिलेक्ट किया और डेज में यहाँ वन जो लिख रहा है इस पर हमने 15 डेज का डाल दिया और फिर इसको ओके करते हैं। ये देखिए 15-15 डेज की ग्रुपिंग हो गई, ये हमारा ग्रुपिंग का पार्ट। अब शॉर्ट अगर इसमें भी करना है तो राइट क्लिक करके जस्ट शॉर्ट कर दीजिए, शॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए, यहाँ से आप सिंपली शॉर्ट कर सकते हैं। जिस पर क्लिक करेंगे वो शॉर्ट होगा। फिल्टर इसमें दो तरह के, तीन तरह के फिल्टर होते हैं, रो कॉलम एंड पेज फिल्टर। आपको रो फिल्टर लगाना है तो यहाँ से क्लिक करके आप रो फिल्टर लगा सकते हो कि आपको क्या क्या चाहिए। कॉलम फिल्टर में आप यहाँ से कॉलम फिल्टर लगा सकते हो कि क्या कौन कौन से कॉलम चाहिए, कौन कौन कॉलम नहीं चाहिए। और पेज फिल्टर में यहाँ फिल्टर में ऊपर आता है जो कि पूरी की पूरी रिपोर्ट को फिल्टर करता है। जैसे कि मैं नेम को उठा के यहाँ रख दिया और यहाँ पे हम जैसे मनीष को सेलेक्ट किया, तो ये देखिए मनीष अब पूरी पूरी रिपोर्ट मनीष की है। तो ये आपकी पेज फिल्टर होता है। फिल्टर के बाद हम बात करते हैं कैलकुलेशन की। अब वापस हम एक बार डेटा पे आते हैं, मैं डिलीट किया। अब मान लीजिए ये आपका अमाउंट है, ये अमाउंट ना हो कि ये हमारा एमआरपी हुआ। अब क्वांटिटी और एमआरपी है, अब इसमें हमारा अमाउंट नहीं है। तो अब मान लीजिए जब हम इस पर पीवट लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे किस पर्सन ने कितनी क्वांटिटी इसमें एमआरपी आ गया, हाँ कितनी क्वांटिटी किस रेट में की है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि क्वांटिटी का फिर अकाउंट की जगह पे यहाँ पे सम कर देते हैं और जो हमारा एमआरपी है एमआरपी के जगह को हम एवरेज कर देते हैं और फिर इसको जो है यहाँ से हम डेसिमल प्लेस से चेंज कर देते हैं या नहीं भी कर सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मुझे यहाँ इसका टोटल अमाउंट चाहिए, मैंने क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, हम मैनुअल नहीं करना चाहते। ये चीज़ आप यहाँ कर सकते हैं, कहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज के अंदर फील्ड आइटम सेट, इसी के अंदर आता है कैलकुलेटेड फील्ड। इस कैलकुलेटेड फील्ड को क्लिक करें और यहाँ पे हमने यहाँ दिया टोटल और इस टोटल पे हमने यहाँ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी एंड एंड ओके कर देते हैं। राइट, ये टोटल यहां पे आया नहीं है, क्लिक करते हैं टोटल आपका आ जाएगा। सम ऑफ द टोटल है यहां पे, लेकिन इसमें फिर जीरो दो आ रहा है। एक मिनट, हम यहाँ आते हैं जल कपली फील्ड में, प्रोडक्ट ले सकते हैं ना वहाँ पे, नहीं प्रोडक्ट भी नहीं, प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट तो ये है ना, ये प्रोडक्ट कोड है। नहीं नहीं आप एक मिनट वहीं पे जाइए ना, ये ठीक लग रहा है, एक बार इसको बंद करके। ओ मैंने स्पेस डाल दिया था, ओके एक मिनट, आप नीचे जाए टोटल में, एक मिनट नीचे, इसको एक नई सीट लेते हैं। अब यहाँ पे पिपट लगाते हैं, अब यहाँ पे हमने नेम ले लिया, सिटी क्वांटिटी एंड एमआरपी, और एमआरपी को हम कर देते हैं
एवरेज। उसके बाद यहाँ जाते हैं फील्ड सेट कैलकुलेटेड फील्ड में, यहाँ हम देते हैं टोटल, और टोटल में यहाँ हम देते हैं क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी एड एंड राइट। आगे यहाँ पे टोटल, अब मान लीजिए मुझे इसमें इसका कंट्रीब्यूशन निकालना है, ये जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, किसने कितना परसेंट अपना योगदान दिया है। तो मैं टोटल को उठा के एक बार और इसमें रख देता हूँ। अब क्या है कि आप वैल्यू ऐसा ही फील्ड है जिसमें एक फीचर एक चीज को दो बार रख सकते हैं, एक ही फील्ड को टू टाइम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ हम इस पर डबल क्लिक करें जहाँ, या फिर आप यहाँ पे करते हैं ना टोटल वैल्यू फील्ड सेटिंग में, जहाँ पे हम सम लेते हैं उसी के बगल में कैलकुलेटेड फील्ड आपको दिखेगा। इसमें नो कैलकुलेशन के जगह पे हमने बोल दिया परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, देन ओके ये आपकी कंट्रीब्यूशन आ गई। ओके तो इस तरह से हम कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। और आपको पता करना है कि कितनी कैलकुलेशन हुई है, इसी में आप चले जाए लिस्ट फॉर्मूला में, यह आपको बता देगा कि हमने क्या क्या कैलकुलेशन किया है। सर इसमें ये भी हो सकता है क्या रिवॉर्ड में कि अगर नंबर्स ना रहे, मतलब जैसे आप एक मिनट वहां जाएंगे शीट पे, तो जैसे ये सामने सम ऑफ क्वांटिटी है एंड एवरेज, अगर हमको ये नहीं चाहिए और हमने कुछ अपना एक्सेल शीट इस तरीके से बना रखी है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर काम हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैंने उसके लिए एक वो बना रखा है वैलिडेशन लिस्ट यस और नो का या इन प्रोसेस का, तो पिवोट क्या उस पर भी लगाया जा सकता है, बिकॉज हम जब यहाँ पे पिवोट टेबल के पिवोट आप किसी भी डेटा के ऊपर लगा सकते हैं, बट एक ही रूल है कि यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, हाँ इसी की बात कर रही हूँ, इसमें आपको जो है टेक्स्ट नहीं आएगा, सिर्फ नंबर आएगा, ठीक है। लेकिन आप टेक्स्ट शो करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कस्टम क्या बोलते हैं इसको, कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे जैसे, बता देंगे। मान लीजिए कि मैंने डेटा है हमारा, ठीक है, डेटा में हमने यहाँ पे नेम दे दिया, नाम कुछ दे दिया, और फिर मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, ये हमारा डेट हो गया राइट। और यहाँ इसे आपने बोला कि मान लीजिए लॉगिन है या नहीं, ठीक है ना, लॉगिन स्टेटस एसटी, तो आप बोलते हैं मैं यहाँ पे यस एंड नो लगाना चाहता हूँ, राइट, यस एंड नो लगाना चाहता हूँ, यस एंड नो। तो अब यहाँ पे ये हो गया आपका यस एंड नो। अब मान लीजिए कि अगर इसमें पिवट आप लगाते हैं तो पिवट में आप एक बोल सकते हैं कि निखिस पर्सन ने किस डेट को लॉगिंग किया है नहीं किया, तो यस एंड नो का यहाँ पे काउंट आएगा, काउंट आता है राइट। यहाँ पे आपको यस एंड नो चाहिए राइट, ये बोले ना आप, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने डेटा में एक कॉलम ऐड कर लीजिए, अच्छा, और यहाँ पे आप जो इफ कंडीशन या किसी भी माध्यम से दे दीजिए कि भाई यस एंड यहाँ पे इफ अगर इक्वल टू यस है तो वन, नहीं तो जीरो, नहीं तो जीरो, ठीक है। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करें, इंसर्ट में पिवट टेबल में जाएं, नेम को रखा एंड डेट को रखा और लॉगिन स्टेटस को मैंने यहाँ रखा, और यहाँ ध्यान रखिएगा सम आना चाहिए और जो ब्लैंक आ रहा है जहाँ पे ब्लैंक है सब पे मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके हमने यहाँ पे जीरो कर दिया राइट, जीरो आ गया राइट। अब कस्टम फॉर्मेटिंग की मदद से
कस्टम फॉर्मेटिंग की मदद से आप क्या करें, फॉर्मेट सेल पे जाएं, कस्टम शॉर्ट कस्टम, और यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में पी दे सेमी कॉलम, और फिर यहां पे ब्लैंक छोड़ दे, एक और सेमी कॉलम दे, और फिर यहां पे ए दे। तो पहला पोजीशन होता है पॉजिटिव के लिए, दूसरा होता है नेगेटिव के लिए, और तीसरा होता है जीरो के लिए। तो यहां तो नेगेटिव तो है नहीं, तो यहां पे आप बोलते हैं यस एंड नो ना आपको, है सर? तो यहां पे पी के जगह में यस कर देता हूं और ए के जगह पे। इसका हम लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, राइट? एंड ओके, राइट। सब तो यस ही आ गया, नो तो आया नहीं, नो का आया एक मिनट, तो सॉरी बीच में ये आ गया था ना, सेमी कॉलन के जगह पे कॉलन के जगह पे सेमी कॉलन पे कॉलन डल गई थी गलती से, हो गया? ये दो बार सेमी कॉलन लगाने, हाँ, क्योंकि पोजीशन होते हैं ना, आपका जीरो तीसरा पोजीशन पे होता है, इसके अंदर जो कोड डलता है सेमी कॉलन क्या होता है, इसका सेपरेटर होता है। यस हो गया पॉजिटिव, यस हो गया पॉजिटिव, और यहाँ दूसरा पार्ट जो होता है नेगेटिव, और तीसरा पार्ट होता है जीरो। तो दूसरा पार्ट तो है ही नहीं मेरे पास, राइट? तो मैं ब्लैंक छोड़ दिया और तीसरा पार्ट डाल दिया, ठीक है? ये आपका यस हो, लेकिन यस नो जस्ट विजुअल है, एक्चुअल में है तो जीरो ने तो वन ना देखी ऊपर, नहीं जस्ट टू मतलब शो दिस रिपोर्ट टू द सीनियर्स, हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा है, ठीक है, ओके, हाँ जी।